हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में आज आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे लूप्स इन जावा। ठीक है, तो जावा में सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप पहले वाइल बताऊंगा, फिर डू वाइल, फिर फॉर। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर ईच लूप भी होता है जावा में, उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम वाइल, डू वाइल और फॉर लूप देखेंगे। तो इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल देखेंगे डू वाइल लूप का। तो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने फोल्डर ओपन कर लिया, सी ड्राइव के अंदर जाके हमने फोल्डर बनाया था YT जावा नाम से। तो इस YT जावा फोल्डर के अंदर आके मैंने राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लूप 1। ठीक है, लूप 1 डॉट जावा नाम से मैंने एक फाइल बना दी, इसको मैंने ओपन कर लिया नोटपेड प्लस प्लस के साथ। और सबसे पहले अब यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट भी ले सकता हूँ, बट अभी मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, विथाउट यूज़र से इनपुट लेके। तो वाइल लूप का यूज़ करते हुए, लूप का बेसिकली यूज़ क्या होता है? लूप का यूज़ होता है जब भी हमें कोई काम कंटिन्यूअसली करना है तो हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी काम हमें इटरेटिव वे में करना है, लगातार करना है, एक ही जैसा काम है या एक दूसरे से रिलेटेड काम है, तो वो हम कहाँ करते हैं? लूप के थ्रू करते हैं। तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे मुझे हेलो प्रिंट करवाना है 10 बार, 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हुए 10 बार हेलो हेलो लिखते जाएंगे। तो 10 बार मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर से हेलो प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो 10 बार आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 100 बार करवाना है तो मुझे 100 बार लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तरीका ये है, जब मुझे एक ही जैसा काम करना है तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए जहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे इस काम को 100 बार करना है। तो ये हम कर सकते हैं लूप से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने एक क्लास बना दी लूप 1, बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर आके मैंने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मेन फंक्शन के अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग args। और इसके अंदर आके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ i नाम का, उसके अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें हम 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 up to 10। ठीक है, आप चाहो तो 1 से 100 भी करवा सकते हो, मैं तरीका आपको बता दूंगा, फिर आप वेरिएशंस ला सकते हो। तो मैंने शुरू किया, आई के अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया और उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ कर लिया, सॉरी वाइल लूप पहले मैं आपको बताऊंगा, तो वाइल लूप का यूज़ कर लिया। वाइल का सिंटेक्स ये होता है कि आप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हो, शुरू कहाँ से करना है, फिर वाइल के अंदर आके आप बताते हो कंडीशन कहाँ तक आपको जाना है। तो मैं चाहता हूँ लूप मेरा 1 से चालू हो और कहाँ तक जाए, जब तक छोटा है या बराबर है 10 के तब तक चले। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक छोटा है या बराबर है 10 के। मुझे 1 to 10 प्रिंट करवाना है। ठीक है, मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, तो मुझे 10 तक जाना है। ठीक है, और उसके ऊपर मतलब लास्ट नंबर जो है मेरा 10 है, और 10 के ऊपर जितने भी नंबर हैं 9 8 वो सब क्या हैं? छोटे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉलर देन इक्वल टू 10। या तो छोटा हो 10 से, या तो फिर बराबर हो 10 के। ठीक है, 10 के बराबर तक तो मैं चलाऊँगा, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए मुझे, क्योंकि 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है। तो मेरा जो लास्ट नंबर था 10, उसके मैंने इक्वल कर दिया, और उसके पहले जितने भी नंबर हैं छोटे उसके लिए ये स्मॉलर देन लगा दिया। ठीक है, मतलब जब 10 के स्मॉलर होगा तब भी ये लूप चलेगा, और 10 के इक्वल होगा तब भी लूप चलेगा। अब इसके अंदर आके
हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करते हुए प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो पहले मैं आपको नाम प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, फिर नंबर्स प्रिंट करवा के दिखा, हेलो प्रिंट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हेलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हुए हेलो मैंने एक ही बार लिखा है, लेकिन ये 10 बार आएगा लूप की मदद से, ठीक है। तो आई के अंदर मैंने वन असाइन किया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, वन छोटा है 10 से, कंडीशन सही सही है, कंडीशन सही है तो कंट्रोल अंदर आएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंट्रोल आता है लूप के अंदर, कंडीशन गलत होती है तो कंट्रोल लूप के बाहर चले जाता है, ठीक है। इस ब्रैकेट के वाइल की बॉडी के लूप के बाहर चले जाएगा कंट्रोल, अगर कंडीशन गलत होगी तो। कंडीशन अगर सही है तो कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हेलो प्रिंट होने के बाद अब आई को मैं एक से इंक्रीज कर देता हूँ, आई को मैंने i+1 लिख दिया। आई को मुझे एक से इंक्रीज करना है, एक एक से मैं क्यों इंक्रीज करना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक से क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी लूप चले तो आई की वैल्यू एक से बढ़ती जाए। अगर मैं एक से चालू करूँगा और एक एक से बढ़ा के 10 तक जाऊँगा तो मतलब टोटल कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया। अगर मैंने एक से चालू किया और दो दो से बढ़ा के मैं 10 तक जाऊंगा तो 5 ही बार चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मुझे 10 बार चलाना है, तो मैंने एक से चालू किया और एक एक करके बढ़ाते गए और पहुँचे 10 तक, मतलब ये 10 बार चलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर दो दो से बढ़ाओगे तो ये 5 ही बार चलेगा, ठीक है। और जहाँ तक भी आपको कंडीशन देना हो, आपको ये नाम अगर हेलो जो है 100 बार प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे इसको 100 तक चला दो तो 100 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो शुरू में आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन सही तो अंदर आके हेलो प्रिंट होगा। फिर i+1, i+1 मतलब 1 के अंदर, आई के अंदर 1 था तो ये 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद आई में आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट देखेगा जैसे ही कंपाइलर को, तो कंट्रोल जाएगा वापस और कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो हमने चेक किया, 2 भी छोटा है 10 से, कंडीशन सही, फिर कंट्रोल अंदर आया, हेलो प्रिंट हो गया। फिर आई में 2 आ चुका है तो 2+1 3 हो जाएगा, और आई के अंदर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3 से। फिर कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, 3 भी छोटा है 10 से, कंडीशन सही, फिर अंदर आके हेलो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे 3+1 4 हो गया, 4 गया आई के अंदर, जैसे ही ब्रैकेट आया तो फिर कंडीशन चेक हुई, 4 भी छोटा है 10 से, कंडीशन सही तो कंट्रोल अंदर हेलो प्रिंट हुआ, 4+1 5 हो गया, 5 चले गया आई के अंदर, आई की वैल्यू अपडेट हो गई। तो इस तरीके से ये 10 बार चलेगा, 10 तक जाएगा, 10 भी छोटा है 10 से, हेलो प्रिंट हो जाएगा। 10 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ठीक है। इक्वल का कंडीशन भी हमने रखा है तो 10 जो है स्मॉलर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसीलिए 10 के केस में भी कंट्रोल अंदर आ जाएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। जब 10+1 होगा मतलब 11 हो जाएगा, उस केस में कंडीशन गलत हो जाएगी, 11 ना ही छोटा है और ना ही बराबर है 10 के, कंडीशन गलत तो कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर, ठीक है। कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, ओपन कमांड विंडो हियर, और यहाँ पे मैं फाइल कंपाइल कर लेता हूँ, जावा सी, फाइल का नाम मैंने दिया था loop1.java, एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारे पास एक क्लास फाइल आ जाएगी, ठीक है, कोई इधर नहीं है, क्लास फाइल आ गई और हमने इसको रन कर दिया, जावा loop1। तो आप देख रहे हैं ये हेलो प्रिंट हो गया कितनी बार, 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तो हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा आई, ठीक है। आप देख रहे हैं आई की वैल्यू 1 से चालू हो रही है और एक एक करके बढ़ रही है और 10 तक जा रही है, तो अपने आप यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 आ जाएगा। आई की वैल्यू शुरू में 1 है, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन सही, अंदर आया 1 प्रिंट हो गया।
फिर आई में पहले 1 था, 1 + 1 2 हो गया, 2 होने के बाद आई में अपडेट हो गया, 2 आई की वैल्यू अपडेट हो गई 2 से, फिर ये ब्रैकेट मिला तो कंट्रोल यहाँ गया और चेक किया, 2 भी छोटा है 10 से, अंदर आया 2 प्रिंट हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया, 3 चले गया आई के अंदर, फिर देखा 3 भी छोटा है 10 से, अंदर आके 3 प्रिंट हो गया, 3 + 1 4 हो गया, आई की वैल्यू 4 से अपडेट हो गई, 4 भी छोटा है 10 से, कंडीशन सही तो 4 प्रिंट हो गया, 4 + 1 5, 5 भी छोटा है 10 से तो 5 प्रिंट हो जाएगा, अप टू सोन चलते रहेगा 10 तक, 10 तक चलेगा, 10 भी प्रिंट होगा, बट उसके बाद जब 10 + 1 11 होगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी, 11 ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर। अब मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई एक वेरिएबल है तो इसीलिए बिना डबल कोट्स के लिखा है, ठीक है, आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और वही अपडेटेड वैल्यू, पहले हेलो था तो हेलो अपडेट नहीं हो रहा था, वो जो टास्क था वो 10 बार हो रहा था बट वर्क हम एक ही बार कर रहे, एक ही जैसा कर रहे थे, हेलो प्रिंट करवा रहे थे। अब इस बार क्या हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, ये लूप भी 10 बार चल रहा है और आई की वैल्यू क्योंकि अपडेट होती जा रही है तो अपडेटेड आउटपुट आते जा रहा है, आई एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू हमने अपडेट कर दी हर बार लूप चलने पे और उसको प्रिंट करवाते गए। तो मैंने दोबारा कंपाइल किया, रन किया, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 7 10 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट्री लेवल का हमने प्रोग्राम देखा वाइल लूप का, ठीक है। वाइल लूप के और भी बहुत से एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, वाइल के, डू वाइल के, फॉर लूप का, तो ये सब जो दूसरे लॉजिकल प्रोग्राम्स रहेंगे वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के, उसको मैं अपनी दूसरी सीरीज में अपलोड करूंगा जिसका नाम है जावा लॉजिकल प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये मेरी एक सीरीज अलग चल रही है कोर जावा इन हिंदी, ठीक है, उसमें मैं आपको ये एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक वाइल का, एक फोर का और एक डू का, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वाइल, डू वाइल, फोर आप पहले पढ़ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो इसीलिए मैं जस्ट एक रिव्यू आपको दे रहा हूँ वाइल का, डू वाइल का, फोर का, ठीक है। मैं आपको डायग्राम वगैरह से इसीलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप पहले से सी कवर कर चुके हैं, अगर आप सी नहीं कवर कर चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग आपने नहीं की है, तो आप सी के वीडियो भी मेरे देख चुके हैं, देख सकते हैं, मेरा जो चैनल है उसमें आप जाके सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सी के पूरे प्रोग्राम है और उसमें मैंने इन चीज़ों को डायग्रामेटिकली पूरा समझाया है, ठीक है, आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं, फिर उन प्रोग्राम्स को आप जावा में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम लूप का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।